हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लासिक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनी सेकल का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक ऐसा स्कूल जो दूसरे स्कूल से भिन्न है, अलग है और थोड़ा हटके है। आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आपको ये वर्ड्स पता हैं? इफ़ यू डोंट, अगर आपको नहीं पता है, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो उनका मीनिंग पता करिए। ये वर्ड्स हैं बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम। देखिए, बैंडेज मिस होता है पट्टी, अपनी आँखों पे जो हम पट्टी बांधते हैं, चोट लग जाती है तो वहाँ पट्टी बांधते हैं, घाव लग जाती है तो वहाँ पट्टी बांधते हैं, उसी पट्टी को ही तो बैंडेज कहते हैं। क्रच, क्रच मिस होता है बैसाखी, जैसे किसी का पैर टूट गया हो, वो चल नहीं पा रहा हो, तो एक लकड़ी या आयरन या दूसरे मटेरियल का बना हुआ एक सपोर्ट होता है जिसके सहारे वो चलते हैं, उसे ही बैसाखी कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्रच कहते हैं। और दूसरा वर्ड है क्रिपल, क्रिपल मीन्स होता है अपंग, डिसेबल, हैंडीकैप्ड। ऑनर, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। मिसफॉर्चून मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। सिस्टम, सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था। अगला पॉइंट है लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट, इस यूनिट में कुछ पिक्चर्स, तस्वीरें दी गई हैं, उनको देखिए। एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, और आप गेस करिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, कैसे हटके है। आइए अब हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 1। यहाँ पे देखिए, जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुने हैं। उनको पिछले हफ्ते मौका मिला उनके स्कूल को देखने का, तो वो मिस बीम के स्कूल में गए, उस स्कूल को देखे, तो उनको जो एक्सपीरियंस हुआ वही इस चैप्टर में वो बता रहे हैं। यहाँ पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैं मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट स्टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन मुझे पिछले सप्ताह ही मौका मिला, चांस मिला उनके स्कूल को देखने का, विजिट करने का। सेकेंड पैराग्राफ, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा उस स्कूल में, जब मैं पहुंचा, देर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, तो वहाँ पे कोई और नहीं, बस एक 12 साल की लड़की मुझे दिखी। हर आइज वर कवर्ड विथ अ बैंडेज, उसकी आँखें एक पट्टी से ढकी थी, एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई अ लिटिल बॉय, और उसे एक लड़का, एक छोटा सा लड़का, क्यारियों के बीच से, जो फ्लावर की क्यारियाँ थी, फूलों की क्यारियाँ, उनके बीच से संभालते हुए, उसको लेड करते हुए, रास्ता दिखाते हुए आगे ले जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years younger, और वो उस लड़की से लगभग 4 साल छोटा था। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लग रहा था मानो वो उस लड़के से पूछ रही हो कि क्या कोई आया है क्या। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो लड़का मेरे बारे में उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा हो, बता रहा हो। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वहाँ से वो लोग चले गए। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम बिल्कुल वैसी थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने उम्मीद की थी। मिडिल एज, आधे उम्र की, अधेड़ सी थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पास पूरा अथॉरिटी था, पावर था, थोड़ी रॉयल थी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वो दयालु थी और समझदार लग रही थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, अब उनके बाल भी थोड़े सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, अभी उनका जो फिगर है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अभी वो धीरे धीरे थोड़ी फैट सी, थोड़ी मोटी हो रही थी। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, जो कि एक होम सिक चाइल्ड के लिए बहुत ही कम्फर्टिंग था। मिस, जो बच्चा घर जाने के लिए उतावला होता था, घर जाने के लिए रोता था, घर से बिछड़ने के बाद जिसको अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैम के साथ, वो जो मिस बीम थी, उनके साथ उनको कम्फर्टेबल फील होता था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उनसे, मिस बीम से, उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ प्रश्न पूछा, विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल, जो कि बहुत ही सिंपल थे। आइए हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, देखिए अब मिस बीम यहाँ बता रहे हैं कि मैं केवल उनको, बच्चों को उतना ही सिखाती हूँ या उतना ही उनको सिखाया जाता है जितना कि उनको ज़रूरत है, जिससे कि उनका काम चल जाए। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, स्पेलिंग पढ़ लेना, शब्दों को पढ़ लेना, जोड़ना, घटाना या गुणा करना, भाग करना या
राइटिंग जो लिखने की कला है ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम, और बाकी चीज़ें उनको पढ़ के सुनाई जाती थी जिससे वो सीखते थे। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और कुछ रोमांचक इंटरेस्टिंग रुचिकर स्टोरी बताई जाती थी, उनके साथ इंटरेस्टिंग टॉक किया जाता था, बातचीत की जाती थी। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, इस दौरान उनको चुपचाप शांति से बैठना होता है, शांति से स्टोरी या रोमांचक बातों को सुनना होता है जिसमें वो अपने हाथ को भी मूव नहीं करते। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और अन्य कोई पाठ उन्हें नहीं पढ़ा जाता है, केवल बस इतना ही सिखाया जाता है। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, इस स्कूल का केवल इतना ही लक्ष्य नहीं है कि उन्हें नए नए विचार सिखाना, बल्कि उनको विचारवान बनाना है, उनको थॉटफुलनेस सिखाना है, जैसे काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों पर दया दिखाना, दयावान बनना, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, फिर मिस बीम बोलती हैं राइटर को कि क्या आप खिड़की से थोड़ा बाहर देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 6। आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन, अभी जो राइटर हैं बोलते हैं कि मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखा, जो खिड़की खुल रही थी एक बड़े से गार्डन की तरफ। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और जो कि बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड था पीछे की तरफ। वाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, तो मिस बीम ने मुझसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। पैराग्राफ नंबर 7। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन दिख रहा है। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही जॉली प्रसन्न चित्त, बहुत ही खुशनुमा बच्चे दिख रहे हैं। इट पेंस मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, यद्यपि मुझे ये देख के दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है कि ये सारे बच्चे हेल्दी यानी स्वस्थ और एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। When I came in, जब मैं इस स्कूल में आया, I saw one poor little girl being led about, मैंने देखा कि एक बेचारी लड़की जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, अंधी थी, उसको एक लड़का रास्ता दिखा रहा था। She has some trouble with her eyes, और शायद उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, समस्या थी। Now I can see two more with the same difficulty, और मैं अभी यहाँ खिड़की से देख पा रहा हूँ कि दो और बच्चों को भी यही समस्या है। And there is a girl with a crutch watching the others to play, और मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की बैसाखी लेके बच्चों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be a hopeless cripple, और मुझे लग रहा है कि वो बेचारी नाउम्मीद आशाहीन एक विकलांग है। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 8। मिस बीम लाफ्ड, ओह नो शी सेड, मिस बीम थोड़ा हंसी और बोली कि अरे अरे ऐसा नहीं है। शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सचमुच में लंगड़ी नहीं है। देर इज़ ओनली हर लेम डे, वो तो केवल आज उसका लेम डे है, लंगड़े होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और दूसरे जो बच्चे हैं वो भी अंधे नहीं हैं, ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो केवल उनका ब्लाइंड डे है, अंधे होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, जब वो फिर से हंसी तो मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 9। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, मिस बीम ने कहा कि ये हमारे सिस्टम का, हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, कि बच्चों को दूसरों का जो मिस फॉर्चून है, दुर्भाग्य है, उसको समझना और दूसरे को रिस्पेक्ट देना। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू, और हम उनको सिखाते हैं कि वो दूसरे के मिस फॉर्चून में, उनके दुर्भाग्य में उनकी सहायता करें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजरी डे एंड वन डम डे, हर टर्म में हर बच्चे का एक टर्न आता है, एक दिन वो ब्लाइंड बनता है, उसका ब्लाइंड डे होता है, एक दिन उसे लंगड़े होने का दिन होता है, एक दिन बहरे होने का दिन होता है, और एक दिन इंजर्ड यानी घाव वाले का दिन होता है, और एक दिन डम डे होता है जिस दिन वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब अंधे होने का दिन होता है, उस दिन देयर आइज आर बैंडेज्ड अब्सोल्युटली, उनकी आंखें पूरी तरीके से पट्टियों से ढक दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और वो ईमानदारी से उस पट्टी में से बिल्कुल भी झांकते नहीं हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, ये पट्टी उनको पिछली रात ही बांध दी जाती है ताकि जब वो उठे तो पूरी तरीके से ब्लाइंड डे उनका स्टार्ट हो जाए, उठते ही वो ब्लाइंड रहें, अंधे रहें। This means that they need help with everything. इसका मतलब यह है कि उन्हें हर काम में सहायता की ज़रूरत पड़ेगी।
अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती है कि वो उनका हेल्प करें, उनकी सहायता करें, एंड लीडिंग देम आउट, और उन्हें रास्ता बताएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो ब्लाइंड है वो भी और जो मदद करता है वो भी, दोनों लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ने कहा कि ऐसे खेल में कोई भी कष्ट नहीं होता है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है ऐसे खेल में। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत ही दयावान होता है, दयालु होता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये तो एक गेम जैसा है, केवल एक खेल है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन समाप्त होने से पहले ही, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस वाट मिसफॉर्च्यून इज़। देखिए, दिन समाप्त होने से पहले ही जो बेचारा थॉटलेस चाइल्ड है, जो बिल्कुल भी सोचता विचारता नहीं, वो भी ये महसूस कर लेता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है, दुर्भाग्य कैसा होता है, इसका उसे एहसास हो जाता है। नाउ लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 11। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। देखिए, जो ब्लाइंड डे होता है, अंधा होने वाला दिन होता है, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा कष्टमय होता है, लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि जो डम डे है वो तो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रेंस माउथ्स सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, क्योंकि जो डम डे है, गूंगा होने का दिन है, इसमें तो हम बच्चे के मुंह पे पट्टी नहीं बांधते, फिर भी उनको दिन भर बोलना नहीं है, ये कितना टफ, कितना डिफ़िकल्ट काम है, कितना इसमें विल पावर की ज़रूरत होती है, हमारी इच्छा को कंट्रोल करते हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रेन फील अबाउट इट, आइए गार्डन में देखिए बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, आइए आप खुद ही देख लीजिए। पैराग्राफ नंबर 12। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, मिस बी मुझे एक ऐसी लड़की के पास ले गई जिसकी आँख में पट्टी बनी थी, और फिर उन्होंने कहा हियर इज़ अ जेंटल मैन कम टू टॉक टू यू, देखो तुम्हारे पास एक सज्जन पुरुष आए हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और ऐसा कह के मिस बीम वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा क्या तुम कभी इस पट्टी के नीचे से झांकती नहीं हो। ओह नो शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो तो चीटिंग हो जाएगा, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे इसके पहले बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि अंधा होना कितना कष्टदायक होता है। यू कॉन्ट सी अ थिंग, आपको कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, हर पल यही लगता है कि हम किसी चीज़ में जाकर टकरा जाएंगे, भिड़ जाएंगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, लेकिन जब हम बैठ जाते हैं तब थोड़ा आराम मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके जो हेल्पर्स हैं, सहयोगी हैं, वो आपकी सहायता करते हैं, क्या वो आपके लिए दयावान हैं। पैराग्राफ नंबर 14। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी वेन इट इज़ माई टर्न, उस लड़की ने कहा हाँ बिल्कुल होते हैं वो लोग, हेल्पर होते हैं, काइंड होते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि जब मेरा टर्न आएगा, मैं जितना सहयोगी और काइंड बनूंगी उतना वो लोग नहीं होते हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, क्योंकि जो लोग पहले से अगर अंधे बने हैं उनको आइडिया है, उनको इस बात के बारे में ज़्यादा पता है, इसलिए वो अच्छे से हेल्पर्स बन सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और काइंड बन सकते हैं। इट्स परफेक्टली घेसली नॉट टू सी, देखिए नहीं देख पाना कितना भयानक, कितना डरावना और कितना फ्राइटफुल होता है। आई विश यू ट्राई, और मेरी इच्छा है कि आप भी अंधा बन के देखिए, आप भी ट्राई करिए। शैल आई लेड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मैं कहीं लेड करूँ, कहीं रास्ता बताऊँ, घुमाने ले चलूँ। पैराग्राफ नंबर 15। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, आइए थोड़ा सा वॉक करते हैं हम लोग। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताना कि कहाँ क्या है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, आज का दिन जब समाप्त हो जाएगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एट बैड एज दिस, और जो बाकी के जो बैड दिन हैं वो आज के दिन के आधे के बराबर भी नहीं हैं। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. और मुझे लगता है कि जो एक पैर को बांधा जाए और बैसाखी के सारे उछल उछल के चलना, ये तो थोड़ा सा फनी सा लगता है, थोड़ा सा मज़ा आता है। Having an arm tied up is a bit more troublesome.
एक हाथ जब बांध दिया जाता है तो थोड़ा ऐसा ये ट्रबल सम होता है, थोड़ा कष्टदायक होता है, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप फिर किसी की मदद के बिना खा नहीं सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरीके से आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, और मुझे लगता है मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा जब मेरा डीप डे आएगा, बहरा होने का दिन आएगा। एट लीस्ट नॉट मच, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं। बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना एकदम डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, और मेरा सिर दर्द करता है जब मैं हमेशा सोचती हूँ कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ, भिड़ ना जाऊँ। वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं? पैराग्राफ नंबर 16, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने उनसे कहा, लड़की से कहा कि अभी हम लोग प्ले ग्राउंड में हैं, खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम लोग घर की ओर वॉक कर रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, और जो मिस बीम है एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में घूम रही हैं। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, और उस लड़की ने पूछा कि वो लड़की क्या पहनी हुई है। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, मैंने उससे कहा एक ब्लू कलर का कॉटन शर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज पहनी है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, तो उस लड़की ने कहा कि मुझे लगता है कि वो मिली है। व्हाट्स कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा थोड़ा सा लाइट है। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, हाँ हाँ बिल्कुल सही, वो मिली है, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, फिर मैंने कहा कि एक बूढ़े से आदमी हैं जो गुलाब के फ्लावर्स को, गुलाब के पेड़ को बांध रहे हैं। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, फिर वो लड़की बोलती कि अरे वो तो पीटर हैं जो इस स्कूल के माली हैं और वो लगभग 100 साल के उम्र के हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, फिर मैंने बताया कि एक लड़की और आ गई है जिसके बाल कर्ली हैं, घुंघराले हैं, और उसके हाथ में बैसाखी है। दैट्स अनीता, शी सेड, तब उस लड़की ने जवाब दिया कि अरे वो तो अनीता है। पैराग्राफ नंबर 17, एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरीके से बातचीत करते हुए हम लोग आगे वॉक करते गए, घूमते हुए आगे गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थाट आई कुड बी, अब मुझे पता चला कि मैं अपने आप को पहले कितना थॉटफुल, कितना विचारवान समझता था, अब उससे कहीं अधिक 10 गुना ज़्यादा मैं विचारवान बन गया हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मुझे यह भी महसूस हो गया है कि यदि मुझे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को या चीज़ों की जानकारी को देनी होती है या देना है तो वे चीज़ें मेरे लिए और भी अधिक रोचक बन जाती हैं। When I finally had to leave, और अंत में जब मुझे वहाँ से जाना हुआ, जब मैं जा रहा था, I told Miss Beam, मैंने Miss Beam को बताया that I was very sorry to go, कि मुझे यहाँ से जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। Ah, she replied, उन्होंने रिप्लाई किया, ओह ऐसा है क्या, Then there is something in my system after all, और इसका मतलब यह है कि ज़रूर ही मेरे जो सिस्टम है, मेरी जो व्यवस्था है, पढ़ाने का जो तरीका है, ज़रूर अच्छा है, बिल्कुल भी इसमें कोई बात है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।